तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ स्पेशल कंकेड़े की सब्जी। हाय गाइस, तो आज मैं बना रही हूँ कंकेड़े की सब्जी। हमारे यहाँ पे तो इसको कंकेड़ा बोलते हैं, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, हम लोगों को तो ये बहुत ज्यादा पसंद है। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, ये ऊपर का जो छिलका है वो निकाल देते हैं, बट मैं नहीं निकाल रही हूँ, हम बिना निकाले ही बनाएंगे। एंड ऊपर का ये जो टॉप रहता है और नीचे का थोड़ा थोड़ा हम निकाल देंगे। और इसमें ना बड़ा साइज भी आता है कंकेड़े का, बट वो इतना टेस्टी नहीं बनता जितना कि ये छोटा वाला बनता है। सो इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और इसको हमें ऐसे राउंड राउंड शेप में कट करना है। आप इसको कोई भी शेप में कट कर सकते हो, आपको जैसा शेप चाहिए वैसा शेप दे सकते हो आप इसको। जैसे कोई कोई ऐसे चार पीस करता है, मतलब ऐसे फोर पीस करके और छोटा छोटा करता है, जैसे हम प्याज कट करते हैं ना वैसे। सो फिलहाल मैं इसको ऐसे राउंड राउंड कट करूंगी। सो मैं ये सारी कट कर लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, मैंने यहाँ पे सारे कंकेड़ों को चॉप कर लिया है और इनमें से कोई कोई रेड भी थे, तो ज़्यादा रेड थे तो उनके मैंने बीज निकाल दिए और जो थोड़े कम रेड थे उनको मैंने रख लिया है। चलो अब हम फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में जाएगा तेल, तेल थोड़ा ज़्यादा रखना। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, थोड़ी सी हींग, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 6 मीडियम साइज चॉप्ड हरी मिर्ची। और अब मैं इसमें ये कंकेड़े डाल रही हूँ। और अब इनको हमें चलाते जाना है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और फिर लाल मिर्च पाउडर, इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। तो एक थाली से मैं इसको कवर कर दूंगी और थाली पे मैं पानी डाल दूंगी ताकि ये नीचे चिपके ना। एक बार चेक कर लेते हैं। और अभी इसमें ना ऊपर से पानी भर चुका है, सो हम इसको खुला करके पकाएंगे, भी ढकेंगे नहीं इसको, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनती अगर पानी रह गया तो। एकदम सॉफ्टली कट हो रहे हैं, इसका मतलब ये पक चुके हैं। तो अब हम इसका पानी जो है वो थोड़ा जला देते हैं। सो कंकेड़े का सारा पानी जल चुका है और अब बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो हम क्या करते हैं गैस बंद कर देते हैं और आप इसको गर्मा गर्म रोटी के साथ खाइए और एंजॉय कीजिए।